हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल शान टेक्नोलॉजी। दोस्तों आज हम आपके लिए कर रहे हैं, ये हमारा B310 है और इसमें जो प्रॉब्लम है यहाँ पर सामने आप देख सकते हैं, इंसर्ट सिम का प्रॉब्लम है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए हमने सिम इसमें लगाया हुआ है। ठीक है, और इंसर्ट सिम का प्रॉब्लम आपको सबसे पहले फाइंड करने के लिए मैं बता देता हूँ कि किस तरीके से आता है इंसर्ट सिम का जो प्रॉब्लम होता है उसको आप किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं बिल्कुल प्रॉपर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है ये जान लो। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको जूम कर दिया है और सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, इसकी जो वैल्यू है वो चेक करनी है और मीटर को करना है हमें बजर रेंज पे। देखिए यहाँ पर मीटर को हमने बजर रेंज पे रख दिया है। ठीक है, चलिए नीचे रख लेते हैं और मीटर को हमने बजर रेंज पे सेट किया हुआ है। और बजर रेंज पे सेट करने के बाद आपको क्या करना है, सब स्टेप बाई स्टेप एक एक सिम का जो पॉइंट है उसको आपको चेक करना है। अब यहाँ पर हम कैसे चेक करेंगे, देखिए बीप पे है। ठीक है, सबसे पहले हमें चेक क्या करना है कि देखो, सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप होगा, देखो यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये वाला जो कनेक्शन होता है ये हमारा ग्राउंड ही है, ये आपको देख लेना है क्योंकि प्रॉब्लम फाइंड करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि दिक्कत कहाँ पर। तो देखो यहाँ पर इस फ़ोन में ये ग्राउंड होता है और ये वाला नो कनेक्शन है। ठीक है, ये दोनों साइड सेम है, एक में आपको ग्राउंड मिलेगा और दूसरे में नो कनेक्शन। ठीक है, और तीसरे में आपको रीडिंग मिलनी चाहिए। देखिए यहाँ पर रीडिंग जो है हमारा 1000, देखिए यहाँ पर इस तरीके रिवर्स रीडिंग चेक करते हैं, यहाँ पर 400 के आसपास मिल रही है। तो रेड वाले को हमने ग्राउंड कर रखा है और ब्लैक को हमने ये कर रखा है। तो चलिए यहाँ पर अब सारी रीडिंग इसी तरीके से चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये सारी ओके है। अब यहाँ पर चेक करते हैं, तो देखिए यहाँ पर भी हमें रीडिंग मिल रहा है 400 के आसपास, 400 से 500 के आसपास भी मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं 404। अभी हमारा ये सिम वाला स्लॉट है, इसमें कोई शॉर्टिंग वगैरह नहीं है, इसकी प्रॉपरली ओके है। अब करते हैं सेकंड स्लॉट जो है उसमें हम आपको चेक करके बताते हैं। देखिए यहाँ पर ये वाला जो मैंने बताया था ग्राउंड है और ये नो कनेक्शन है, यहाँ पर कोई भी कनेक्शन आपको देखने को नहीं मिलता है। और तीसरा वाले में आपको रीडिंग मिलेगी, यहाँ पर देखिए लगभग सेम ही रीडिंग होगी, 400 450 या 500 के आसपास। अब देखिए यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको बीप का साउंड देखने को मिल रहा है, तो यानी कि ये बीप का साउंड जो है हमें यहाँ पर नहीं देखने को मिलना चाहिए, जो कि यहाँ पर हमें बीप का साउंड जो है देखने को मिल रहा है। और हम उसके अलावा चेक कर लेते तो यहाँ पर हमें सही रीडिंग मिल रहा है 400, और यहाँ पर भी हमें 406 और 405 के आसपास यहाँ पर मिल रहा है। तो यानी कि हमारा दिक्कत कहाँ पे, ये दिक्कत है, ये वाला हमारा पॉइंट जो है शॉर्ट है। अगर रीडिंग नहीं आ रही है तब भी आपको चेक करना है इंसर्ट सिम, उसकी वजह से भी आती है। तो यहाँ पर शॉर्टिंग फाउंड हो गई है, यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है वो ग्राउंड के साथ शॉर्ट हो चुका है, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम है वो आ रही है। अब ये वाला सिम का जो सेक्शन है सिम टू का, वो ज़्यादातर यहाँ पर आपको ऊपर देखने को मिलेगा, ऊपर की साइड आपको सारे रजिस्टर कैपेसिटर सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे सिम टू का कनेक्शन। और सिम वन का जो कनेक्शन है वो यहाँ पर है। ठीक है, सिम वन के जो अगर प्रिंट उखड़ जाए या फिर कोई शॉर्टिंग वगैरह इशू किसी में आ जाए तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, और इसका जो पॉइंट है वो यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए। ठीक है, तो इसी तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने इसको शॉर्टिंग फाउंड किया है। अब यहाँ पर देखते हैं शॉर्टिंग हमारा कौन सा कैपेसिटर शॉर्ट है। तो फर्स्ट वाला जो ट्रैक हमारा जाता है वो हमारा, अभी हम चेक करते हैं, फर्स्ट वाला जो ट्रैक है वो हमारा कहाँ जाता है, ये वाला, ये हमारा जाता है यहाँ पर इस वाले कैपेसिटर पे। ठीक है, ये हमने दूसरे मदरबोर्ड से ट्रेस किया है, इस वाले कैपेसिटर पे जाता है। ठीक है, अब ये वाला कैपेसिटर हम चेक करते हैं क्या ये शॉर्ट है, अगर ये शॉर्ट होगा तो हम इसको निकाल देंगे। तो देखिए यहाँ पर ये वाला जो कैपेसिटर है वो शॉर्ट है। तो इसी तरीके से आपको शॉर्टिंग फाउंड करेंगे और इंसर्ट सिम जो है इंशाल्लाह आपकी जो इंसर्ट सिम की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। चलिए तो अभी इसको हम निकाल देखते हैं, और इसकी जो शॉर्टिंग है वो इसको यहाँ से निकाल देंगे हम। देखिए यहाँ पर मैंने जो कैपेसिटर था उसको मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है आपके फ़ोन में भी जो सेम प्रॉब्लम हो यही कैपेसिटर ख़राब हो, आपके फ़ोन में आपको चेक करना है कौन सा पॉइंट जो है शॉर्ट है, उसके हिसाब से आपको कैपेसिटर सर्च करना है। ठीक है, फ़िलहाल तो मेरा ये शॉर्ट था तो यहाँ पर कैपेसिटर मैंने देख लिया है। अब सिंपल सा हमें क्या करना है,
इसकी रीडिंग लेनी है, जैसे हमने पहले ली थी ना। अब यहाँ पर चेक करते हैं कि शॉर्टिंग तो नहीं है। तो यहाँ पर देखिए मीटर अभी भी बजर रेंज पे है, और यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं तो नॉर्मल रीडिंग जो है यहाँ पर हो चुकी है, 450 के आसपास यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो यानी कि ये पॉइंट हमारा ठीक है, तो आपका जो प्रॉब्लम है वो 100% सॉल्व हो जाना चाहिए। अब यहाँ पर हम सिम लगा के चेक करते हैं कि हमारा जो इंसर्ट सिम का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर सिम टू में ही मैं जो है इसको स्लॉट को चेक करता हूँ कि हमारा इंसर्ट सिम का जो प्रॉब्लम था वो हमारा सॉल्व हुआ है या नहीं। तो चलिए यहाँ पर कोई वीडियो कटिंग वटिंग नहीं है, प्रॉपरली आपको दिखाया जा रहा है। अभी हम चेक करते हैं यहाँ पर सिम जो है हमारा आ रहा है या नहीं। अब इंसर्ट सिम का जो प्रॉब्लम था वो 100% दूर हो चुका होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंसर्ट सिम का जो प्रॉब्लम था वो हमारा सॉल्व हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सिम यहाँ पर पकड़ चुका है, और अभी हम चेक करेंगे कि नेटवर्क इसका जो है प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं नेटवर्क की भी इसमें आ चुके हैं, वोडाफोन लिखा हुआ आ चुका है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को भी दबा लें, ठीक है। इसी तरीके की वीडियो आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।